गुरुवर कबीर साहब जी की पंक्ति है, एक भजन है कहा जाए उसकी पंक्ति है। मोर हीरा हेराईगा कचरे में, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम और कोई ढूंढे पानी पथरे में। इस पंक्ति पर थोड़ा मनन करें आज। गुरुवर कबीर साहब क्या संदेश देते हैं? मोर हीरा हेराईगा कचरे में, हमारे पास कौन सा हीरा है और उसे हम कहाँ खो दिए हैं? हर व्यक्ति के पास उसका प्राप्तव्य, उसकी आत्मा, उसका राम, उसका परमात्मा, उसका भगवान उसके पास है। जिसको दिक्कत हो कुर्सी पर आ जाए साहब, कुर्सी लगी है, जिनको मजबूरी हो कुर्सी में बैठे। मैं कह रहा था कि हमारा आत्मा रूपी हीरा हमारे पास है, लेकिन आदमी उसे नहीं पहचानता है, उसे नहीं देखता है। वो पानी और पत्थर की मूर्ति, पानी मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यहाँ जाता है ढूंढने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए। इसलिए गुरुवर कबीर साहब जी को कहना पड़ा, तुम अपने आत्मा रूपी हीरा को कहाँ खो दिए हो? और आगे कहते, कोई ढूंढे पूरब और कोई ढूंढे पश्चिम। अब पूरब और पश्चिम में कौन ढूंढता है? केवल शब्द कहने के लिए बहुत छोटा है कि कोई ढूंढे पूरब और कोई ढूंढे पश्चिम, इतने में पूरा हिंदुस्तान आ जाता है और हर संप्रदाय के लोग आ जाते हैं। जितने हिंदू लोग हमें पूरब में ढूंढते हैं, सीधी सी बात है ना, और जितने मुस्लिम भाई बंधु हैं वो पश्चिम में ढूंढते हैं। वो अपनी पूजा करेंगे, अपनी इबादत करेंगे तो पश्चिम मुख करके करते हैं, और गुरुवर कबीर साहब दोनों को केवल आधी अर्धाली में लपेट लेते हैं। कहने की शैली उनकी देखी, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, इसी में सब आ गए, हिंदू मुस्लिम दोनों। किसी को नाम लेके नहीं कहना पड़ा कि हिंदू इधर पूजा करता है, मुस्लिम उधर पूजा करता है। कहने की कला है गुरुवर कबीर की। और आदमी अपने से बाहर ढूंढता है। जितने हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो पूरब में ही मुख करके पूजा करते हैं, उधर ही जल चढ़ाते हैं, उधर ही धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ाएंगे, लेकिन मुस्लिम लोग जो हैं वो पश्चिम में। कबीर साहब कहते हैं दोनों भूले हैं, दोनों भटके हैं। कबीर साहब जिस राम की बात कहते हैं, जिस आत्मा की बात कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो पानी पत्थर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, कहाँ है? हमारे भीतर, हमारे अंदर। लेकिन वो हमें दिखता क्यों नहीं है? कारण क्या है ना दिखने का, ना समझ में आने का? एक और भजन है गुरुवर कबीर का, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। किस चीज का पर्दा हटाने कहते हैं?
महिलाएं जो साड़ी से ढकी हैं, इसको हटाने से आत्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। ये तो एक उदाहरण है, एक रूपक है कि तुम अपना पर्दा हटाओ। वो कौन सा पर्दा हटाने को कहते हैं? माया का पर्दा, मोह का पर्दा, जो इसका आवरण तुम लपेटे हुए हो, इसी के कारण से तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते हो, इसी में चिपके हैं, इसी में भूले हैं। इसीलिए गुरुवर कबीर को कहना पड़ा कि घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। तो जब अपने माया मोह का पर्दा को हटाओगे, उससे बाहर निकलोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा राम इस जड़ शरीर से अलग हूं। और जो अलग, जो बोल रहा है, जो आत्मा है, यही परमात्मा है, जिसको खोजने के लिए लोग कहां कहां नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कितनी जगह ठगा जाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी पीड़ाएं उठाते हैं, जहां जाने का रास्ता नहीं वहां भी घुस जाते हैं। पता है कि आते समय रास्ता मिलेगा कि पहाड़ भसक जाएगा, ढनंग जाएंगे, सबको पता है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सब परमात्मा को पाने के लिए जाते हैं वहां। गुरुवर साहब कहते हैं, कबीर साहब, ये सब कचड़ा है, इसी कचड़े में केवल सब भूल गए हैं। इससे तुम्हारा राम नहीं मिलेगा, तुम्हारा परमात्मा नहीं मिलेगा, इस कचड़े से बाहर आना होगा। गुरुवर कबीर का राम घट घट वासी है। राम रमे ते कुकुरी के पूता। राम तो हर जीव, हर प्राणी के अंदर है। जो जीव है, जो चेतन है, वही राम है। उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल खो गया है हमारे दुर्गुणों की वजह से। इतने हमारे जीवन में अगर सद्गुण आए, दुर्गुण ना हो, तो हमारा राम, हमारा आत्मा हमें जल्दी मिल सकता है। लेकिन हमारी जितनी भी खोज है, सब बाहर की ओर है। हम अपने जीवन को सुखमय तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बाहर के प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करके, जो बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। गुरुदेव जी बता रहे थे ना एक दिन, कल वहां अमोदी गए थे, तो कि मित्र दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन मित्र बन जाते हैं। अब ये आपको सुख कैसे देंगे? और इन्हीं के पीछे हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। शाश्वत सुख केवल हमारी आत्मा दे सकती है। अपने आप को जान करके ही हम पा सकते हैं शाश्वत सुख, और उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। संसार के लोगों से हम सुख पाना चाहते हैं कि संसार के लोग हमसे बढ़िया से व्यवहार करें, तब हमारे जीवन में सुख आएगा। मतलब हमारे सुख की चाबी दूसरे के हाथ में है। हमारा पड़ोसी चाहे तो मैं सुखी रहूं, और वो ना चाहे तो हम दुखी रहें। कहने का मतलब, वो हमसे मीठा बोले, प्रेम से बोले, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा। हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, कोई भी अगर ये चाहना हुई कि ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तब हमारा जीवन सुखी हो, तो हम कभी नहीं सुखी हो सकते कि कोई नहीं चाहता कि मैं सुखी रहूं, ये तो पक्की बात है ना। पड़ोसी क्यों चाहेगा? हम अपना रिमोट उनके हाथ में दे ही ना, हम उनसे कोई चाहना ही ना करें, इस कचड़े में क्यों पड़े? दूसरे से चाहना करना, इच्छा करना ही कचड़ा है, क्योंकि वो इच्छा कभी पूरी होगी नहीं आपकी या हमारी, किसी की भी। पूरी कहां होगी? कि हम उसको छोड़ के अपनी ओर लौट आए। जो कुछ चाहते हैं, हम अपनी आत्मा की ओर लौटे, अपने अध्यात्म में आए, वही केवल शाश्वत है। हम ही एक ऐसे हैं कि जो जब से हम जानते हैं तब से हम ही हैं, हम नहीं बदले हैं,
बाकी तो हमारे संगी साथी सब बदल गए, कितनों मित्र कितनों दुश्मन बने, कितनों दुश्मन मित्र बने, सब बदलते गए। तो बाहर के लोगों से अगर हम चाहना करेंगे कि ये हमें सुख दें तो वो संभव नहीं है। संतजन एक उदाहरण देते हैं कि एक बहू थी, वो अपनी सासू माँ से बहुत परेशान थी। ये तो आम बात है, आप लोगों को पता ही होगा, आजकल तो कहानी घर घर की है। ये तो बहू से सासू माँ परेशान है और सासू से बहू परेशान है, और पुरुष लोग समझ में नहीं पाते गलती किस में है। अब बेटा भी नहीं समझ पाता है कि मैं अपने माँ को समझाऊं कि पत्नी को समझाऊं, वो भी कुछ नहीं करता, जिंदगी वैसे चलती रहती है। बहू परेशान हो जाती है, सबसे यही पूछती है कि इस बुढ़िया से कब छुटकारा मिलेगा। जब तक हमारे पति हमको अलग लेके नहीं रहेंगे तब तक मैं सुख और शांति से जीवन नहीं जी पाऊंगी इस जन्म में। बेटा भी उनका कह देता है कि देखो तुमको साथ में हमारे रहना है तो रहो, नहीं तो तुम अपने घर चली जाओ। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, वो गैसे भी हैं, वो मेरी माँ है। वो गिनाती है, वो हमारे भाई को ऐसे कहती हैं, हमारे पिता को ऐसे कहती हैं, उनको गाली देती हैं, इनको गाली देती हैं, हमको ऐसे बोलती हैं, हमारे कुल कुटुंब के लोगों को उल्टा सीधा कहती हैं, तू दहेज में कुछ नहीं लाई, ऐसा कुछ की वो की, सब कुछ दिन भर दोष ही गिनाती रहती। मैं कैसे रहूंगी उनके साथ, उनको देखते ही तो मेरा खून खौल जाता है। लड़का कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। अब बहू भी परेशान, अब घर में भोजन बनाए, रोज खिलाए सबको, लेकिन उसे अच्छा न लगे। वो जब देखो तब यही सोचती रहे कि ये बुढ़िया से छुट्टी मिले कैसो करके। अब पूछते पूछते एक दिन कोई महात्मा आ गए उसके यहां। अब महात्मा पहुंच गए तो उनसे भी यही कही कि महाराज आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं, हमारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं पति को भी नहीं छोड़ना चाहती हूं और मां से छुटकारा भी चाहती हूं, सासू मां से। और पति ने हमारे ये कह दिया है कि मैं मां को नहीं छोड़ सकता और मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती हूं। महात्मा भी माथा पकड़ ले, गए भाई ये तो समस्या बड़ी गंभीर है, अब सासू मां को कौन सुधारेगा, कौन रोकेगा उनको, उनको तो बदल नहीं सकता कोई। जो बहू थी वो कहती महाराज हमारे दुख का कोई अंत नहीं, जब तक ये बुढ़िया जिंदी रहेगी तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। जिस दिन बूढ़ा माई मरेंगी या सासू मां का शरीर छूटेगा उसी दिन मैं शांति से जी लूंगी, उसी दिन हमको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। महात्मा कहते हैं अच्छा तो क्या करोगी, बुढ़िया माई को मारोगी, कही वो मैं कर लूंगी। अच्छा क्या करोगी, कही कैसे भी करके मैं उनको निपटा लूंगी, भोजन तो मैं ही बनाती हूं ना। तो महात्मा कहे देखो बेटी तुम ठीक कह रही हो लेकिन तुम फंस जाओगी, अगर तुम्हारी तुम अपनी बुढ़िया माँ को जहर देकर के मारोगी या कुछ खिला पिला के मारोगी तो पुलिस आएगी और तुमको पकड़ ले जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ोगी, इसलिए मेरे पास एक युक्ति है। क्या युक्ति है, कि जो तुम्हारा जहर है ना मेरे पास भी एक जहर है, वो स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे काम करता है, इसको तुम ले जाओ इसको धीरे धीरे खिलाना, मतलब ये जो दवाई है इसको 30 भाग में बांट लेना और एक एक पुड़िया रोज पिलाना, और तुम्हारी जो सासू माँ धीरे धीरे उनका शरीर गलता जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं, गांव वाले जानेंगे भी नहीं कि वो कैसे मर गई बुढ़िया। बहू को बात एकदम समझ में आ गई, ये तो बहुत अच्छा है महाराज, बूढ़ा माई भी मर जाएंगी और कोई जानेगा भी नहीं और हम भी बच जाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना ये दवाई को तुम दूध में देना, गर्म दूध में, जब रोज शाम को सोने लगे तो उस समय देना। कोई बात नहीं तीसरे दिन की तो बात है, हम दूध की व्यवस्था कर लेंगे। तो पूछती पक्का है ना सासू माँ मर जाएंगी, ने कहा बिल्कुल 30 बुढ़िया अगर ये पी ली तो इनको कोई नहीं बचा सकता है।
बहू बहुत खुश हो गई, उठी जाने लगी। फिर बाबा ने कहा, सुन बेटी लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जब तक तुम दवाई दोगी अपने सासू माँ को, किसी को संदेह ना होने पाए कि तुम दवाई उनको दे रही हो मारने की। कभी झगड़ा मत करना घर में, अगर वो कुछ भी कहे तो उलट के जवाब मत देना, और उनका थोड़ा ख्याल रखना। गांव पड़ोस के लोगों को ऐसा लगे बहू बहुत ख्याल रखती थी सासू माँ की, ये तो मार ही नहीं सकती है। रोज उनको चाय नाश्ता सब चीज समय से दे देना, कभी कभी पैर भी दबा देना, भोजन पानी भी अच्छा देना। और ये सब बातें जब तुम्हारे आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो सबको ये लग जाएगा, ये तो इतना सेवाभावी थी, ये तो मार ही नहीं सकती है। तो मन में तो सोची कि मैं इस बुढ़िया की सेवा कैसे करूंगी, लेकिन फिर सोची तीसरे दिन की तो बात है, कुछ भी कर लेंगे, आगे तो फिर अपना राज आएगा, क्या देखना क्या पूछना। वो शुरू कर दी, बाबा महात्मा जो बताए थे वैसा काम शुरू कर दी। शाम को जैसे सब सो गए, एक गिलास दूध गरमाई और उसमें जो 30 पुड़िया लाई थी बाबा के यहाँ से, एक पुड़िया खोल के दूध में मिला के गरम गरम दूध सासू माँ के पास लेके पहुँची। सासू माँ को भी लगा आई जो कभी पानी भी नहीं देती थी हमको, आज दूध लेके पहुँची हमारे पास। वो भी कहीं क्या हो गया तुमको, मैं दूध पीती हूँ, मैं बच्ची हूँ, कस के हड़की, लेकिन कुछ नहीं बोली, टेबल पर धर के चली गई। देखती है दूसरे दिन फिर दूध लेके पहुंची दवाई मिला करके। सासू माँ देखी कि धर के चली गई है, चलो ज़्यादा होगा दूध घर में, पी लेती हूँ, उठाई गटागट पी गई, रख दी गिलास, आई गिलास उठा ले गई। दूसरे दिन फिर गिलास आ गया गरम गरम, फिर भड़क गई, आखिर हो क्या गया है तुमको। कही, माता जी आप अब कमजोर हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं, आपको दूध की आवश्यकता है, रोज एक गिलास दूध ले लिया करिए। कही, मैं बूढ़ी हो रही हूं, अभी तुम्हारे जैसे चार को हम उठा ले जाएंगे, तो हमको बूढ़ी कहती है। वो कही, नहीं माता जी बात मानिए। वो भी कही, आए ये हमारा ख्याल रख रही है, इसको हो क्या गया है, ये तो पूरा उलट गई है। कि कोई बात नहीं भाई, उठाई पी गई, दूसरे दिन भी दूध पी गई। फिर थोड़ा देर बाद देखती है कि गरम गरम तेल लेकर के आई, माता जी सोई है, पैर में तेल लगाने लगी, आई ये कौन सी गंगा बह रही, इसको हो क्या गया है, जो हमको फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती थी, कुछ भी इसको कहती थी तुरंत उलट के जवाब देती थी, दिन भर लड़ती थी, आज ही हमको तेल लगाने के लिए आई है पैर में। दो चार बार उल्टा सीधा बोली, कुछ सुनाई खरी खोटी, लेकिन फिर पैर ढीला कर दी। बहू ठीक से बढ़िया तेल ओल मालिश की चली गई। सुबह सुबह नहाने के लिए बाल्टी में पानी भर दी कुआं से निकाल के, कपड़ा उनका धो दी फैला दी, खाने पीने के लिए उनकी सारी व्यवस्था बिना मांगे समय से ले जाके दे दी। सासू माँ को लगा दो चार दिन 10 दिन जब ऐसा चला कि गलती हम में ही थी क्या, हमारी बहू तो देखो सब कुछ इतना बढ़िया कर रही है, हम ही फालतू इसके दादा बाबा भैया इसको गिनाते थे, इसको गिनते थे, इसको गाली देते थे, और किसी को भी अगर ऐसा कहेंगे तो गुस्सा तो होगी ही, लगता है हम ही में कुछ गलती थी, हम ही नहीं समझ पाए अपनी बहू को, इतनी बढ़िया बहू है, सब कुछ ख्याल रखती है, सब कुछ हमारे लिए इतना करती है, रोज दूध देती है, पैर दबाती है, खाने पीने के देती है, कपड़ा धोती है, कुछ भी कह भी दे रही हूँ 10 दिन से कुछ उलट के जवाब भी नहीं दे रही है। उसका भी मन थोड़ा थोड़ा पसीज गया सासू माँ का। बहू इधर गिन रही, आज 15 दिन हो गया सासू माँ को दूध पीते, 15 दिन की और बात है, 15 दिन बाद सासू माँ राम नाम सत्य हो जाएंगे। इधर सासू माँ का दिल धीरे धीरे पिघलता जा रहा है कि हमारे घर में इतनी सोना जैसे बहू, हीरा जैसे बहू, और हम उसको पहचान नहीं पाए, उसको दिन भर जब से आई आज 4-6 साल हो गया, तब से इसको हम रोज कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाते रहे, गलती हम में ही थी बहू में नहीं थी। अब कहीं भी जब वो बैठती हैं 4 महिलाओं के साथ तो अपने बहू की प्रशंसा करती, कहती बहनी अभी तक तो हम तो समझ नहीं पाए थे अपनी बहू को, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, ऐसी बहू तो तुम लोगों किसी को नहीं मिलेगी, इतना ख्याल रखती है हमारा,
कहें हाय बात तो सही है भाई, हम भी देख रहे हैं खूब करती है। अब जब सासू माँ कभी बाजार जाएं तो उसके लिए भी कुछ खाने के लिए ले आएं, कुछ बालों में लगाने के लिए क्लिप ले आएं, कहीं कुछ ले आएं, कहीं कुछ ले आएं, और ला के बहू को आवाज़ दे करके उसको दे दें। और धीरे धीरे जब ऐसा करते करते 20 दिन बीत गया, तब सासू माँ को लगा कि जब इतनी अच्छी बहू घर में हो, इतना सब कुछ व्यवस्थित करती हो, हमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, बिना कहे सब चीजें मिल जा रही, हम किस घर क्यों मालिक बने बैठे हैं यहां। एक दिन बहू के कंधे पर हाथ रखी और लेके अपने कमरे में गई और कही, बेटी आज से तू इस घर की मालकिन है, ये देख यहां यहां ये गहने रखे हैं और ये रही चाबी, आज से ये सारे गहने की जिम्मेदारी तुम्हारे अंदर है, तुम इसको संभालो, रखो, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है तुम जानो। जब इतना बढ़िया तुम सब व्यवहार कर रही हो, सब निपटा रही हो, तो मेरी क्या जरूरत, हम तो बैठ के केवल रोटी तोड़ रहे हैं। बहू को पूरा अपना चाबी का गुच्छा और जितना जीवन भर के कमाई थी सब उनको सौंप दी, कही आज से ये सब कुछ तुम्हारा है, जहां जैसा तुम्हें उचित लगे वहां वैसे उपयोग करना, और सब दिखा दी, जितना ताए मोंद के छुपा के रखी थी सब बहू को सामने कर दी। अब बहू को जब सब मिल गया, सब उसके पास आया, रात में जब सोई तो गिन रही है कि 7 दिन और बचा है, 7 दिन बाद सासू माँ चली जाएंगी और सब कुछ हमको दे दी, और ये समझ नहीं पा रही है कि मैं इनको मारने का प्लान कर रही हूं, और ये हमको अपना हितैषी समझ रही है, और इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, इतना खुश हैं सब, हम भी खुश हैं, ये भी खुश हैं, अब हमारे पतिदेव तो काम करने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सासू माँ और एक हम ही हैं जो दिन भर घर में रहते हैं, और ये मर जाएंगी, हम अकेले रहेंगे इस घर में, ये घर लगेगा कैसे आखिर, एकदम बियाबां लगेगा, सुनसान लगेगा एक सप्ताह बाद तो। और इतना ख्याल रखती है हमारी, कहीं भी बाहर जाती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने जरूर लेके आती है, इतना तो हमारी मां नहीं लागती थी हमारे लिए। अगर ऐसे ही जीवन चलता रहे हमेशा तो दिक्कत क्या है, अगर ऐसे ही जीवन चलता रहे तो दिक्कत क्या है। इतनी बढ़िया सासू मां, सब कुछ हमको दे दी, और मैं कर क्या रही हूं आखिर, बस केवल एक गिलास दूध देती हूं और भोजन तो बनाती हूं, उनके कहने पर देती थी, अब बिना कहे दे देती हूं, कभी कभी पैर दबा देती हूं, जो कुछ कहती हैं सुन लेती थी, अब तो कहती भी नहीं, अब तो प्रशंसा कर रही हैं, 2-4 दिन सुनाई, 10 दिन सुनाई, उसके बाद तो अब तो एकदम पूरा देवी जैसे लगती हैं। उसको लगा नहीं कुछ गलत हो रहा है, इनको मार देंगे तो हम चैन से नहीं जी पाएंगे, हमारी आत्मा जिंदगी भर कचोटती रहेगी हमको, लेकिन करें क्या, आप तो पूरी खुराक दे चुके हैं, बचा कितना, 5-6 दिन का बचा है, कुछ नहीं, आओ ना देखी, ताओ सीधा फिर पहुंची वही महात्मा के पास, और फिर बताई, महात्मा बड़ा गड़बड़ हो गया, कहे क्या, कहे मेरा विचार बदल गया, कहे विचार बदल गया मतलब, कहे नहीं मुझे अपनी सासू माँ को नहीं मारना है, जैसे है मुझे वैसे ही चाहिए, कहे पगली तू क्या कहती है, तूरी पूरी खुराक तो तू खुद खिला चुकी है, अब बचा क्या है, 3-4 खुराक बची है, इससे क्या होगा, इसको नहीं खिलाओगे धीरे धीरे वो शरीर तो गलना चालू हो जाएगा अब उनका, कहे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप कोई ना कोई उपाय करिए, मुझे उनको चाहिए, उनको जिंदा जीवन चाहिए, उनका मरना नहीं है मुझे, मारना नहीं है, पाप नहीं लादना है मुझे, हमारा घर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया सुधर गया है। वो कहे तुम क्या मौत को मजाक समझती हो, एक बार जहर देती हो और एक बार कहती हो कोई ऐसी दवा दो कि वो बच जाए, लेकिन वो एकदम फूट फूट के रो पड़ी, नहीं महाराज कैसे भी करके बचाइए, मेरी सासू माँ को बचाइए, नहीं तो उस घर में मैं अकेले रहूंगी कैसे। महात्मा का पैर पकड़ ली, महात्मा उसके सिर पर हाथ रखे के पगली मैं कोई जार नहीं दिया था, रोज अगरबत्ती सुलगाता हूं ना उसी की राख यहां थाली में गिरी थी, उसी को बटोर के दे दिया, ले जा 30 खुराक कर लेना,
तेरी सासू माँ मरेगी नहीं, वो जहर नहीं पी है, वो दूध पी है। बहू खुश हो गई, बहू खुश हो गई और वापस अपने घर आ गई। बदला क्या उसके जीवन में आखिर? केवल सोच बदल गई, बस विचार बदल गया। जीवन वही है, सासू माँ वही है, भोजन वही है, पानी वही, घर वही है। अब उसको घर स्वर्ग जैसे लगता है। वही सासू माँ को जो मारने के लिए सोचती थी कि ये सासू माँ कितना जल्दी यहां से मर जाए, छुट्टी मिले, वही जब संतों का सानिध्य मिला, संतों का संसर्ग मिला, तो वही घर अब स्वर्ग में बदल गया। बंधुओं, इसी प्रकार हम सब का भी जीवन है, हम सब का भी जीवन इसी कचड़े में उलझ गया है। माया, मोह, अहंकार, झूठ, छल, प्रपंच, इन्हीं सब में खोया है। संतजन शिक्षा दे करके, विचार दे करके, प्रेम की सीख दे करके, संत ने क्या दिया बहू को? झूठा प्रेम। तुम अपनी सासू माँ के साथ झूठा प्रेम करो, और झूठा प्रेम से जब घर स्वर्ग बन गया, अगर हम सब सच्चा प्रेम करें तो क्या नहीं बनेगा? इतनी सेवा क्या हम अपने घर में करें तो क्या हमारा घर स्वर्ग नहीं बन सकता है? बन सकता है। बोलिए सदगुरु देव की जय। बैठ जाए सब लोग, आगे बढ़ के जिसके पास जगह है पूरा आगे आ जाए दरी तक। जल्दी बैठ जाए। तो मैं कह रहा था कि हम सबको जरूरत है कि हम अपने धन को समझें। बाहरी धन, बाहरी कचड़े में ना पड़े, उसमें अपने आप को खोए ना, उसमें समय ना गंवाएं। जो समय बचा है उसे अध्यात्म में लगाएं, संतों के सानिध्य में लगाएं, संतों के विचारों में लगाएं, जो हमें हमारी आत्मा तक ले जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।